जिला महिला चिकित्सालय के अंदर बने अस्पताल कर्मचारियों के आवास में निवास करने वाले 24 परिवार पिछले 8 दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से अपनी समस्या बताने के बावजूद जब समस्या का हल नहीं हुआ तो रविवार को अस्पताल कर्मचारी और उनके परिवार जिला महिला अस्पताल के गेट के सामने पानी की सप्लाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अस्पताल कर्मचारी और उनके बच्चे मौजूद रहे। पानी की समस्या पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अस्पताल कर्मचारी कमलेश देवी एवं इब्रार अहमद ने कहा, पानी दो, चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, पानी दो, 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 मांगे पूरी हो, पानी दो, पानी दो। हम कमलेश देवी पानी के लेकर मांग को हम 8 रोज से परेशानी हो रही है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। हैंड पाइप है वो भी खराब है, बताइए कहाँ से हम लोग अपने पूरा किया जाए। हम सब महिला कर्मचारी हैं। इब्रार अहमद पानी की समस्या को लेकर बैठे हैं। आप लोग कब से दिक्कत हो रही है, कहाँ रहते हैं? हम लोग जिला अस्पताल के कैंपस में रहते हैं, महिला कैंपस में। दोनों जगह के कर्मचारी इस कैंपस में रहते हैं। आए दिन हर 6 महीना पर 1 महीना झेलना पड़ता है हम लोगों को पानी के लिए। मोटर खराब हो जाता है, जो जिसलिए यहाँ मोटर गाड़ा गया है, जो ओरिजिनलिटी मोटर है उसको नहीं लगा करके दूसरा मोटर लगा देते हैं। हर 2 महीना पर 4 महीना पर मोटर जल जाता है। आप लोगों की किसी अधिकारियों से बात हुई, क्या कहा? यहाँ के CMS से बात हुई, उस CMS साहब ने आदेश भी कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है।